अब हमें यहां से लेके यहां तक बनानी है आउटर डिमेंशन, इसको भी हम देखो कैसे बनाएंगे। यहां से लेके यहां तक की डिमेंशन देखो, इसमें पहले ये जोड़ेंगे, ये कितना है, यहां से लो ये जोड़ेंगे, ये कितना है 0.05 इतना, ठीक है ठीक है। हाँ जी, ये प्लेन प्रोजेक्शन, ये कितना है 0.05 ठीक है। उसके बाद ये मास थिकनेस, ये कितनी है 0.3, ये जो वाइट से बना रहा हूं ये, ठीक है। हाँ हाँ जी जी, सर, उसके बाद इनर डिमेंशन कितनी है कमरे की, 4 मीटर, फोर फोर फोर। फोर ऐसी है, हाँ जी, हाँ जी, ये फोर आएगा, हाँ जी, हाँ फोर ठीक है, यहां तक पहुंच गए। उसके जी सर, बाद ठीक, ये बात कितने जुड़ेंगे, ये कितनी है 0.3। .3, हाँ जी, फिर उसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्शन जोड़ेंगे, ये कितना है 0.05, 0.005, तो ये टोटल कितना हो गया 4.70। 4.6, 4.7, हाँ नहीं आता ये, जी, तो ये आउटर लेंथ आ गई, आउटर सॉरी इसको आप विड्थ बोलोगे, आउटर विड्थ आ गई 4.7 और आउटर लेंथ आ गई 3.7, क्लियर है ये। हाँ जी, तो अब ये आ गई प्लिंथ डिमेंशन, आउटर आउट इनटू विंड रूफ एरिया के अंदर एक कमरा का रूफ दिया हुआ था आप वाले, तो अब प्लिंथ एरिया कितना बनेगा इसका, प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया बना 3.7 मल्टीप्लाई बाई 4.7, क्लियर है। सतारह पॉइंट चालीस सतारह जितना भी आ गया सौ चालीस इसको बोलेंगे प्लिंथ एरिया। इसके अंदर हमने प्लिंथ लेवल पे आउटर डिमेंशंस कैलकुलेट करने के बाद उस चीज का एरिया निकाला है, इसलिए इसको बोलेंगे प्लिंथ एरिया, ठीक है। तभी है सर। मैं आपको इसको ऐसे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें जो हैं अगर मैं सामने बोर्ड पे लिखूंगा तो ही पता लगेंगी, वैसे मुश्किल हो जाएंगी समझनी। बुक में उन्होंने सीधा ही लिखा होगा, ये जोड़ दिया सीधा, वो जोड़ दिया सीधा, लेंथ ये आ गई, विड्थ ये आ गई, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लेंथ एरिया निकाल दिया। तो आपको समझना पड़ेगा पहले प्लेंथ एरिया निकला कैसे, ठीक है। बस हाँ जी सर, ये, अब देखो ड्राइंगे बनी हुई हैं तो आप निकाल रहे हो, जो आपका ये सिलेबस है इसका यही पैटर्न है, आपको ड्राइंग गिवन रहेगी, ड्राइंग में से ही आपने सारी कैलकुलेशंस करनी है, हम कर सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बस तरीका समझना आपने करना कैसे है, ठीक हाँ जी, है। सर, अब देखो ये जो इसके अंदर एक और बात, मैं अभी आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ ऐसा चीज करी है जो आगे बहुत यूज होनी है। ये जो 0.05 है, ये जो 0.05 है, ये हमने कैलकुलेट करा है सेक्शन में से, कैसे हाँ जी, हाँ कैलकुलेट करा, 0.4 में से 0.3 माइनस कर दिया, 0.4 में से 0.3 माइनस करने के बाद जितना आ गया उसके अंदर ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, बराबर करने के लिए बटा दो कर दिया, तो इससे कर दिया 0.05 मीटर। नहीं है कि 0.05 इन क्वेश्चन में दिमाग नहीं है, जब रैंक से निकाला है हमने, कब आ रही?
मैं क्या कह रहा हूँ, 0.05 मीटर कोई हमें क्वेश्चन में थोड़ी गिवन है, वो तो हमने सेक्शन में से कैलकुलेट करा है, 0.4 में से 0.3 माइनस करा, डिवाइडेड बाय 2 करा, तो वो आया 0.05 मीटर, तभी आया जी सर, है ना, तभी आया। यस सर। अब देखो ये जो 0.05 मीटर आया, इसे बोलते हैं हाफ प्रोजेक्शन, ठीक है, ठीक है, क्लियर yes, है। इसे बोलते हैं एच पी, एच पी मतलब हाफ प्रोजेक्शन। मैं लिखता हूं, ये क्या चीज है, ये है हाफ प्रोजेक्शन, इसे बोलते हैं एच पी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी सर। ये आपने याद रखना है, आगे जब हम डिटेल में एस्टीमेट, हमने डिटेल एस्टीमेट करना है, अल्टीमेटली हमें डिटेल एस्टीमेट तक पहुंचना है, तो डिटेल एस्टीमेट में ये बहुत ज्यादा यूज होना है हाफ प्रोजेक्शन, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। नेट आवाज आ रही थी कितना, सर एक बार रिपीट करियो। आज सारा दिन आपके साथ मैं ही हूँ, आज सारी के दिन 24 पूरे 6 के 6 पीरियड मैंने लगाने हैं तुम्हारे, आज ये अभी मुझे मिल गया ऑर्डर, तीसरे की ब्रेक है, बाकी सारे दिन पीरियड मैंने लगाने हैं आपके, ठीक है। हाँ जी। तो